ऑनलाइन ठगी, ओटीपी और पिन नंबर के नाम से अब तक लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आता था, पर सक्ती जिले में अनोखा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहां फर्जी बैंक शाखा चल रहा था। इस मामले की शिकायत पर पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। यह मामला सक्ती जिले के मालक रौंदा थाना के ग्राम छापुरा का है, जहाँ स्टेट बैंक का फर्जी शाखा खुला है। इसकी जानकारी स्टेट बैंक के अधिकारियों को नहीं है। स्टेट बैंक के अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना मालखरौंदा पुलिस को दी। मौके पर पुलिस एवं प्रशासन की टीम पहुंची और जांच की, जिसमें यह शाखा फर्जी निकली। एसबीआई के अधिकारियों की शिकायत थी कि स्टेट बैंक का बड़ा बैनर लगाकर बैंक का सेटअप लगाया गया है। जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो कथित बैंक मैनेजर फरार था। शाखा में 6 कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि पत्र एवं इंटरव्यू के माध्यम से उनको अपॉइंट किया गया था। इस शाखा में एम्प्लॉई को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उनको बाद में अन्य स्थानों पर पोस्टिंग करने की बात कही गई थी। इस मामले में पुलिस की टीम स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। अपने को पता चला सर कि अपने गाँव छपोरा में एसबीआई का ब्रांच खुला है करके, तो अपने आया पता करने के लिए क्या ब्रांच है, खुला है कि नहीं खुला है करके। तो आगे उसे कर्मचारी वगैरह से खाता खुलवाना था अपने को, तो क्या क्या प्रोसेस करके उनको बताया गया। अभी अपना सर्वर नहीं आया है, आने के बाद में स्टार्ट होगा काम, ऐसा करके बताया गया। और इनके पास में कुछ भी जानकारी नहीं था, ब्रांच कोड वगैरह दुनियादारी कुछ भी नहीं लिखा गया था उसमें। तो अपने को थोड़ा डाउट हुआ, तो अपने मतलब डबरा ब्रांच को सूचित किया इस टाइप से, हम ब्रांच खुला है क्या है कैसे करके। तो फिर ब्रांच वाले आए डबरा वाले, तो पता चला कि फर्जी बैंक है। और हम लोग फील्ड में सर इसी रोड पे हम लोग जाते हैं, तो हम लोग देखे कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी है इतनी बड़ी। तो हम लोग सोचे कि स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी है, हम लोग को खुद जानकारी नहीं कि भाई यहाँ पे ब्रांच खुल रही है। तो सर हम लोग आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे कि भाई आप लोग यहाँ ब्रांच कैसे खुले हो या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ में बोल रहे। तो यहाँ के स्टाफ लोग से हमने पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोग की रिक्रूटमेंट कैसे हुई है। तो सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल के थोड़ा इधर उधर से बात किया, नहीं कभी उन्होंने फॉर्म भर के हम लोग यहाँ आए हैं, या तो किसी ने कहा कि हम लोग आईबीपीएस के तौर पर हम लोग आए हैं, वहाँ के एग्जाम फाइट करके हम लोग वहाँ के हम लोग मीन्स उसको हम लोग फाइट करके आए हैं और हम लोग की रिक्रूटमेंट हुई है, ये इनका कहना है। और ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही निकालती है इसकी, ठीक है। ये चीज हमने पकड़ा। और यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग जो भी देख रहे हैं सारी चीज फर्जी लग रहे हैं सर हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं जैसे विड्रॉल स्लिप से कोई भी देखिए, जब तक कोई भी बैंक आपको अथॉरिटी नहीं देती है, ठीक है, आरबीआई की तरफ से या फिर हायर अथॉरिटी बैंक की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आप तब तक आप ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी, तो सर हम लोग यहाँ पे आए हैं। सर मैं यहाँ ग्राम छपुरा में एसबीआई बैंक में काम करने के लिए आई थी। मैं ऑफलाइन फॉर्म डाली थी जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था, और यहाँ छपुरा में जॉइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। मैनेजर सर आए नहीं है, और इधर सर बाहर से बहुत सारे ऑफिसर लोग आए हैं, तो पता चल रहा है कि फर्जी बैंक है करके। स्टेट बैंक डबरा के ब्रांच मैनेजर ने सूचना दिया कि फर्जी सूचना मिली है एसबीआई का ब्रांच खोलने की, सूचना पे आए हैं, मौके पे वो लोग जांच कर रहे हैं, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है।